मौत से 6 दिन पहले रिलीज हुई विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म इन पर थी बेस्ड। दिवंगत विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म एक थी रानी ऐसी भी उनकी मौत से 6 दिन पहले ही रिलीज हुई थी। एमपी के सिंधिया राजघराने की राजमाता विजयराजे सिंधिया पर बेस्ड ये फिल्म कोई खास बिजनेस तो नहीं कर पाई, लेकिन विनोद खन्ना की मौत के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। बीजेपी की फाउंडर मेंबर्स में से एक विजयाराजे को इमरजेंसी के दौरान उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। उनकी एक बेटी राजस्थान की सीएम है जबकि दूसरी बेटी एमपी गवर्नमेंट में मंत्री है। फिल्म को बनाने में लगा 7 साल का लंबा वक्त। विनोद खन्ना के दोस्त अमिताभ बच्चन ने उनकी इस फिल्म एक थी रानी ऐसी भी के थिएट्रिकल ट्रेलर को मुंबई में लॉन्च किया था। गोवा की गवर्नर मृदुल्ला सिन्हा की बुक राजपथ से लोकपथ पर बेस्ड इस फिल्म को बनाने में 7 साल का लंबा वक्त लग गया। फिल्म की शूटिंग राजस्थान, छत्तीसगढ़, हैदराबाद और महाराष्ट्र की अलग अलग लोकेशन पर हुई। फिल्म के डायरेक्टर गुलबहार सिंह हैं। फिल्म में विजयराजे सिंधिया का रोल हेमा मालिनी ने निभाया है। पूरी फिल्म इन्हीं के आसपास घूमती है। फिल्म में विनोद खन्ना ने हेमा के पति का रोल निभाया है। हेमा और विनोद खन्ना के अलावा फिल्म में सचिन खेडेकर और राजेश श्रृंगारपुरे भी हैं। फिल्म में विजयाराजे की लाइफ स्टाइल, स्ट्रगल, जीत हार और उनके विचार दिखाया गया है। मुंबई के होटल ताज में हुई थी पहली मुलाकात, जब ग्वालियर घराने के जीवाजी राव सिंधिया की शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई तो सबसे पहले त्रिपुरा की राजकुमारी कमला प्रभा से उनकी सगाई हुई, लेकिन मराठा सरदारों के विरोध के बाद इसे तोड़ दिया गया। सागर के नेपाल हाउस में पली बढ़ी लेखा दिवेश्वरी, विजया राजे का शादी से पहले का नाम के मौसा चंदन सिंह महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के ADC थे। उन्होंने कभी जीवाजी राव से अपनी भतीजी के बारे में चर्चा की थी, लेकिन लेखा के राजपूत होने की वजह से उसके रिश्ते की बात के लिए हिचकिचाते रहे थे। त्रिपुरा की राजकुमारी के साथ सगाई टूट जाने के बाद लेखा के मामा कुंजर के कहने पर उन्होंने लेखा को जीवाजी राव से मिलवाने का इंतजाम किया। महाराजा जीवाजी राव जब मुंबई गए तब उनकी मुलाकात तय की गई। दोनों की मुलाकात मुंबई के होटल ताज में हुई थी। महाराज को पहली नजर में आ गई थी पसंद। महाराजा को लेखा पहली ही नजर में पसंद की थी। इस पहली मुलाकात में उन्होंने लेखा से राजकुमारी कहकर बात की। इस दौरान जीवाजी राव चुपचाप सब बातें सुनते रहे और लेखा की सुंदरता के कायल हो गए थे। उन्होंने अगले दिन लेखा को परिवार समेत मुंबई में सिंधिया परिवार के समंदर महल में इनवाइट किया। मुंबई में हुई मुलाकात के बाद महाराजा जीवाजी राव ने शादी का प्रपोजल लेखा के मौसा चंदन सिंह के जरिए नेपाल हाउस भिजवा दिया। बाद में उन्होंने शादी का ऐलान कर दिया। शादी के बाद भी मराठा सरदार रहे नाराज। शादी के बाद लेखा देवेश्वरी का नाम मराठा परंपरा के तहत बदलकर विजया राजे रख दिया गया। धीरे धीरे विजया राजे को सिंधिया परिवार ने अपना लिया, लेकिन मराठा सरदारों में नाराजगी बाकी थी। ये नाराजगी तब नजर भी आ गई जब मुंबई में रहने वाले जीवाजी राव के मौसा और रियासत के शक्तिशाली सरदार आंग्रे से अपनी नई महारानी को मिलवाने खुद महाराजा उनके फ्लैट पर ले गए। वहां सरदार आंग्रे ने परंपरा के मुताबिक पहली बार मिलने आई महारानी के स्वागत की कोई इंतजाम नहीं किए और चर्चा के दौरान सरदार आंग्रे और उनकी पत्नी ने विजया राजे से कोई बात भी नहीं की। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.